अच्छा बेटा, ये एक दो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, तो उनके लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास आज हम लेक्चर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 की बात करेंगे। ये जो बैरोमेट्रिक इक्वेशन है, लॉकडाउन से पहले हम ऑलरेडी ये ड्राइव कर चुके हैं। लॉकडाउन से पहले हमने ये बैरोमेट्रिक इक्वेशन ड्राइव की थी, और इस बैरोमेट्रिक इक्वेशन जो हमें मिली थी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ड्राइव की थी, डी पी ओवर डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस डी जेड को मैं इस साइड पर ले गया हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी मल्टीप्लाई बाई डी जेड, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये एक सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप जो है सेपरेट जो है कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे हमने एनर्जी बैलेंस के प्रॉब्लम में, हमने एक लास्ट वाले प्रॉब्लम में हमने किया था। तो मैंने क्या किया है, इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए इसके ऊपर इंटीग्रल लगा दिया, दोनों साइडों पर मैंने इंटीग्रल लगा दिया, तो आपके पास इंटीग्रल आ गया डी पी का इज इक्वल टू माइनस रो पी इंटू डी जेड। तो मैंने ये दोनों जो है इसके ऊपर इंटीग्रल मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अच्छा अब आप ये देखिए, जब मैंने इंटीग्रल लगा दी है तो अब मैं लिमिट्स पुट करूंगा, क्योंकि ये डीपी है, इसका मतलब है इंटीग्रल हम पी का ले रहे हैं, यानी कि प्रेशर का ले रहे हैं, तो पी वन और पी टू मैंने दो लिमिट्स लगा दी है। अब ये देखिए जो रो और जी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और जब आप इंटीग्रल ले रहे होते हैं किसी कॉन्स्टेंट का, उन कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो मैंने माइनस रो इंटू जी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिए हैं, और आपके पास खाली डी जेड जो है आपके पास बच गया है, और ये जो इंटीग्रल है इसकी जो लिमिट्स होंगी जेड वन और जेड टू इसकी लिमिट होगी। अब इस यानी कि आपके पास बेसिकली क्या है, ये एक्स आपके पास वन डी एक्स उसका इंटीग्रल ले रहे हैं, यानी कि वन डी पी का इंटीग्रल ले रहे हैं, तो वन का जो इंटीग्रल होता है वो उसका एक्स होता है, तो आपके पास ये पी आपकी वैल्यू आ गई, जब आपने इसका इंटीग्रल सॉल्व किया, ये छोटा सा इंटीग्रल पी की वैल्यू आ गई, लिमिट्स हैं पी वन पी टू माइनस रो जी वैसे का वैसे रहा, बिल्कुल इस चीज को भी जब मैंने सॉल्व किया, इस चीज को भी सॉल्व किया, तो मेरे पास जेड आ गया, लिमिट्स हैं जेड वन और जेड टू। अब जब इस लिमिट्स को मैंने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी एक्सक्यूज मी मल्टीप्लाई बाय सर, जेड टू। जी सर जब अहमद हसन जी इंटीग्रेशन सॉल्व फरमाइए करेंगे, सर जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 7 + c नहीं आएगा? बेटा, 7 + c जो है ना, हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना मैथ्स में, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही होती, एक्स वगैरह इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, हम लोग जो इंटीग्रल जब इस अपने पास सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, जहां पे कोई आपके पास डेफिनेट वैल्यू आ रही होती है, तो नॉर्मली हम ऐसे कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि आपके पास एक्स वाई जेड इस तरह का जवाब आ रहा होता है, उसके अंदर इसलिए वो कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। ऑफ कोर्स जब भी इंटीग्रल लगा होगा उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट की वैल्यू कोई होगी, लेकिन हमारे केस में क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें हम नहीं लगाते। बेटा क्लियर है ये बात आपको? ओके सर, अच्छा अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, जिस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है कि पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी जेड टू माइनस जेड वन। अच्छा आप किस इक्वेशन को देखिए, तो आपके पास बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर जो पी वन है वो है ये पी वन जो है इनिशियल प्रेशर, पी टू फाइनल प्रेशर, जो रो है ये आपके जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी को शो कर रहा होगा, जो इसके अंदर जी है इस इक्वेशन के अंदर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो कर रहा होगा। अब रह गई जेड वन और जेड टू, ये जेड वन और जेड टू क्या होंगी, जेड वन आपकी इनिशियल हाइट होगी, जेड टू आपकी फाइनल हाइट होगी। हमने हर चीज को इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि इस फॉर्म ये जो फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू माइनस रो जी इंटू जेड टू माइनस जेड वन, ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप बेसिकली यूज करते हैं सिर्फ उन्हीं फ्लूइड्स के लिए जिनकी कांस्टेंट डेंसिटी हो। बेटा
बेटा इंपॉर्टेंट बात है, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपके पास शर्त ये है कि जिस चीज के लिए, जिस फ्लूइड के लिए, जिस सब्सटेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करें उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, उसकी डेंसिटी चेंज ना हो रही हो। तो आपको पता है कि डेंसिटी किसकी चेंज होती है, डेंसिटी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की चेंज होती है, यानी कि आपके पास नॉर्मली जो गैसेज होती हैं उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो आप ये फॉर्मूला गैसेज के तौर को पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी गैस है जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो आप उस गैस के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जी मोहम्मदी बेटा क्या सवाल है आपका? जी सर ये इक्वेशन में नेगेटिव का साइन किस लिए है सर? बेटा ये नेगेटिव का साइन हमारे पास पहले आपको जब हमने ये इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी ये पीछे से उसकी डेरिवेशन से नेगेटिव का साइन आया था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हमने ये फॉर्मूले वगैरह सॉल्व किए थे जब हमने डेरिवेशन की थी एक लिक्विड वेज लिया था जिसको हमने प्रॉपरली सॉल्व किया था और वेज को सॉल्व करने के बाद उस वेज के अंदर हमने ये बात की थी कि आपके पास जो ग्रेविटी है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में थी यानी कि आपने एक्स वाई जेड एक प्लेन बनाया हुआ था और उसमें जो ग्रेविटी थी वो नेगेटिव जेड प्लेन में थी। ये उसकी उससे उस इक्वेशन के साथ ये नेगेटिव आया जिसको हमने लगा दिया, हमने खुद से नहीं लगाया। बेटा पॉइंट क्लियर आपको? ओके सर थैंक यू। ये जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो नेगेटिव का पॉइंट था, नेगेटिव आपके पास जब ड्राइव की थी उस वक्त डेरिवेटिव इक्वेशन में ये डेरिवेशन के साथ नेगेटिव आया था। बेसिकली ये डेंसिटी के साथ नेगेटिव नहीं है, ये जी के साथ नेगेटिव था और ये इसलिए नेगेटिव का मतलब था कि आपके पास जो जी थी वो हमने एक्स बाय जेड प्लेन एक बनाया था, एक टेप हमने एक ग्राफ बनाया था एक्स बाय जेड प्लेन के अंदर जो जी जो थी वो नेगेटिव जेड प्लेन में थी, इसलिए हमने इसके साथ जी के साथ नेगेटिव की वैल्यू लगाई थी और इसकी कोई वजह नहीं। जेड एक्सिस के अपोजिट थी सर, जो जी थी बेटा फोर्स की बात है, फोर्स नहीं थी। अब वो हम उसको क्योंकि वो एक पूरा अलग लेक्चर था उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ उसकी वो डेरिवेशन ले ली है, वो जो फाइनल रिजल्ट था ये मैंने आपको शो किया है। उस फाइनल रिजल्ट में जो जी थी वो नेगेटिव, मैंने आपको बताया था नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिव जेड आपके पास जो है वो नेगेटिव जेड, जैसे आपके पास एक्स होता है एक्स के अपोजिट नेगेटिव एक्स होगा, वाई है वाई के अपोजिट आपके पास नेगेटिव वाई होगा। मिसाल के तौर पर एक मिनट में आपको अगर ये दिखाऊं, ये जरा ग्राफ देखिए, अगर आपको ये ग्राफ हो, लेट्स से कि आपके पास ये एक्स है ये वाई है, इस साइड पे जो एक्स होगा वो नेगेटिव एक्स होगा, इसी तरह इसके अपोजिट जो वाई होगा उसको हम कहेंगे, अगर यहाँ पे एक लाइन लगा दें इसके अपोजिट वो नेगेटिव वाई होगी, अगर इसको जेड ले लें उसके जो अपोजिट होगी वो नेगेटिव जेड होगी, तो जो जी है बेसिकली वो नेगेटिव आपकी जेड है। ओके सर क्लियर हो गया। जी मोहम्मदीन क्लियर है आपको बात? थैंक यू सर। यस सर। बेटा अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम अभी जो ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले को आप यूज करते हैं उन तमाम फ्लूइड्स के लिए जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट है। और डेंसिटी किन फ्लूइड्स की कांस्टेंट होती है? डेंसिटी आपके जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, जैसे कि वाटर है, यानी कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल उनकी। लेकिन अगर आपके पास कोई गैस है जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही उसके ऊपर भी ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होगा। तो आपके पास सिर्फ कंडीशन याद रखनी है, दिस इक्वेशन विल ओनली बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंसेस फ्लूइड्स हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी। अच्छा अब मसला क्या है कि बेसिकली अगर आप किसी चीज के ऊपर ये देखिए, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी जो है कोई आपके पास सब्सटेंस है, उस आपके पास पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से पॉसिबल है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाए, वॉल्यूम कम होगा तो उस चीज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हम जब जब चीजों को प्रेशराइज करते हैं, वो कैसी क्यों ना चीजें हो, लिक्विड्स हो, आपके गैसेज हो, अगर आप उनको प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशराइज करने से उन सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी। उसकी वजह आपको बता दी है, बेसिकली जब प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो आप देखिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि डिनोमिनेटर है, वॉल्यूम की जब वैल्यू कम होगी तो
तो आपकी डेंसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो तकरीबन तमाम लिक्विड्स जो हमारे पास लिक्विड होते हैं, जो जब तक वो लिक्विड्स अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होते हैं उस वक्त तक आपके पास जो प्रेशर का इफेक्ट है डेंसिटी पर वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम जब इंजीनियरिंग की कैलकुलेशंस करते हैं हम स्मॉल चेंजेस इन डेंसिटी को इग्नोर कर देते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के अंदर ये अज्यूम करेंगे कि आपके पास लिक्विड्स जितने भी हैं उनकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट है और लिक्विड्स के लिए ये फॉर्मूला आप बेधड़क उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इसी इक्वेशन को फर्दर देखते हैं। आपके पास जो इक्वेशन 3 मैंने अभी ड्राइव की है, हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हाइड्रोलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को कि जिनके अंदर आप वाटर को डील कर रहे होते हैं। आपके पास जो हाइड्रोलिक्स वाले प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि आपके पास प्रेशराइज कोई वाटर है, इस तरह का सिस्टम है, वो आपके हाइड्रोलिक से प्रॉब्लम है, या ऐसे तमाम फ्लूइड मैकेनिक्स से प्रॉब्लम जिनके अंदर आपके पास कोई फ्री सरफेस हो, उस वक्त बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 जो अभी मैंने ड्राइव किया, ये इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर। आपको याद होगा हमें लॉकडाउन से पहले जब लेक्चर में प्रेशर की बात की थी तो मैंने आपको बताया था आपके पास गेज प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फिर टोटल प्रेशर होता है, या आपको बताया था एब्सोल्यूट प्रेशर होता था, हमने उनके ऊपर बात की थी। तो इसीलिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को आप इजीली जो है, इक्वेशन नंबर 3 को आप लोग जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर। तो वो किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमें पता है कि किसी भी ओपन सर्फेस के ऊपर, जैसे आपके पास दरिया है, दरिया ओपन सर्फेस है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा लेकिन उसका गेज प्रेशर जीरो होगा। तो आपके पास जो भी वाटर की बॉडी है, आपके पास मिसाल के तौर पे पानी का टैंक है, घर में आपके पानी की टैंकी खुली पड़ी है, इसका मतलब है कि वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, फ्री सरफेस है, उसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, कवर्ड नहीं है। तो उस फ्री सरफेस के ऊपर आपका अगर आपके पास कोई गेज प्रेशर होगा तो वो गेज प्रेशर वो जीरो होगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन नंबर 3 में, दोबारा देखिए, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो P1 है उसको मैंने लिख दिया कि ये P1 आपका गेज प्रेशर है, और आपको पता है अगर फ्री सरफेस है तो वो गेज प्रेशर आपका जीरो होगा। तो ये P1 यानी कि आपका उसको P1 गेज करके मैंने उसको जीरो वैल्यू उसकी लगा दिया। आगे देखते हैं कि आपके पास इसी इक्वेशन के अंदर, ये देखिए आपके पास इस इक्वेशन के अंदर एक चीज आपको दी हुई है Z2 - Z1, यानी कि आपके पास हाइट्स हैं, जो हाइट्स दी हुई है Z2 - Z1, इस हाइट को Z2 - Z1 को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर लूं कि आपके पास जो Z2 - Z1 है उसको अगर हम मैं इस तरीके से डिफाइन करूं कि ये बेसिकली आपका एक डिस्टेंस है जो कि आप फ्री सरफेस से आप डाउनवर्ड अपनी डेप्थ तक मेजर कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, Z2 - Z1 को आप जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास एक फ्री सरफेस है, एक आपके पास Z2 - Z1 के अंदर आपके पास एक जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस से लेकर आपके पास जो डेप्थ है उस तक जो जो डिस्टेंस है उसको आप कह रहे हैं डेप्थ एच कह रहे हैं, और उसको लिख हमने इस तरीके से दिया है कि आपका फ्री सरफेस माइनस आपकी फाइनल, फ्री सरफेस माइनस फाइनल डेप्थ, उसको मैंने लिख दिया माइनस एच। माइनस एच इसलिए इसको लगा दिया है क्योंकि बेसिकली आपके पास एक जो है हाइट थी शुरू में जीरो थी और फ्री सरफेस पे जीरो है, जीरो में से आप कोई चीज माइनस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी मिसाल के तौर पर पानी से जैसे जैसे नीचे जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी, इसको मैंने माइनस एच लिख दिया। अब ये जो वैल्यूज हैं, यानी कि Z2 - Z1 जो मैंने माइनस एच की वैल्यू निकाली है, और अभी जो मैंने आपको P1 की जो वैल्यू जीरो सेट की है, अगर ये दोनों वैल्यूज मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 अभी ड्राइव की थी, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, फिर देखता हूं कि मेरे पास कैसी एक इक्वेशन बनती है। जरा देखते हैं, जब मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं, P1 = 0 और Z2 - Z1 = -H,
इसको मैंने पुट कर दिया है इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो कि थी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी मल्टीप्लाई बाय Z2 माइनस Z1। इस इक्वेशन के अंदर P1 आपका जीरो हो गया, तो P2 माइनस जीरो रो माइनस रो इंटू जी वैसे रहा, और Z2 माइनस Z1 अभी बताया किस तरह हमने इसको माइनस H ले लिया है। अब ये देखिए, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो आपके पास ये खत्म हो गया, बाकी आपके पास जो फॉर्मूला बच जाएगा वो बच जाएगा P2 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। P2 को अगर मैं रिप्लेस करके खाली P लिख दूं, P2 को खाली P लिख दिया, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 आपको बेसिकली क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर 4 आपको ये बता रही है कि आपके पास जो P है वो गेज प्रेशर में है, P इज द गेज प्रेशर, जो रो है आपकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, जो जी है आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच जो है वो डेप्थ है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आप इस फॉर्मूले की मदद से आप प्रेशर एट एनी डेप्थ, जब लिक्विड की बात कर रहे हो, प्रेशर एट डेप्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू आपकी गेज प्रेशर में आपके पास वो वैल्यू आएगी। ये अभी बेटा मैंने Z2 माइनस Z1 को मैंने आपको ये बात बताई थी, ये Z2 माइनस Z1, ये देखिए जरा, मैंने आपको Z2 माइनस Z1 की बात बताई थी, ये देखिए Z2 माइनस Z1 को इस तरीके से डिफाइन मैंने ये किया है कि जो Z2 माइनस Z1 है बेसिकली आपकी कोई डेप्थ एच है, Z2 माइनस Z1 कोई आपकी डेप्थ एच है, और ये मैंने ये बताया है कि इसको अगर इस तरह लिखूं मैं कि आपकी ये जो Z2 माइनस Z1 जो डेप्थ है, ये है फ्री सरफेस माइनस फाइनल डेप्थ, यानी कि आपकी जो इनिशियल फ्री सरफेस पे जो डेप्थ होगी जो कि जीरो होगी, और आपकी फाइनल जो डेप्थ होगी वो होगी जीरो। में से जब कोई चीज आप निकालते हैं तो वो आपकी जो वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो मैंने माइनस एच इसलिए लगा दिया कि ये वैल्यू माइनस एच है। जी इमरान पीरजादा, आपको ये बेटा बात क्लियर है? यस सर। बेटा आपका माइक ऑफ कर दीजिए, फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जब अब ये फॉर्मूला बन गया, ये अब आपका सिंपल एक फॉर्मूला बन गया है, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर एट द डेप्थ फॉर एनी लिक्विड, और उसके फॉर्मूले में आपको बता दिया एच डेप्थ है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो डेंसिटी है, और जो प्रेशर की वैल्यू आएगी ये गेज प्रेशर में आएगी। अच्छा, इस फॉर्मूले में आप जरा गौर कीजिएगा, आपके पास वेरिएबल एक ही चीज है एच, यानी कि जो डेप्थ है वो वेरिएबल है, जो डेंसिटी और जी जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो एक खास सब्सटेंस की कांस्टेंट होगी, और जी जो है ये भी आपकी जो है वो कांस्टेंट होगी, जो एच है वो वेरी कर रही है, लेकिन पी और एच एक ही तरह है, पी इज इक्वल टू एच। अगर आप देखें, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप अपनी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आपकी जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी गेज प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इस फॉर्मूले से ये पता लगता है इन प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर और जो आपकी डेप्थ है, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि इनका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, पी और एच के दरमियान में एक लीनियर रिलेशनशिप है, एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी आपका प्रेशर वैसे के वैसे बढ़ता जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें ये टर्म्स क्या बता रही है। अच्छा, आप इक्वेशन नंबर जो 4 है जो अभी हमने ड्राइव की है, इक्वेशन नंबर 4 क्या है वाला, पी इज इक्वल टू रो जी एच, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये बेसिकली आप उस वक्त यूज करते हैं कि जब आपके पास जो फ्लूइड्स होंगे, शर्त वही है, उनकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि आपके पास अगर फ्लूइड कोई है जिसकी कॉन्स्टेंट डेंसिटी है, आप उसके लिए यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम ये जो इक्वेशन है एक्सटेंसिवली लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक इस इक्वेशन से जो प्रेशर आएगा, बेसिकली वो प्रेशर गेज प्रेशर होगा, अगर उस प्रेशर के अंदर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो फिर वो प्रेशर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, व्हेन द सबमरीन थ्रेशर
sank in the Atlantic, it was estimated in the newspapers that the accident had occurred at a depth of 1,000 feet. What is the pressure of the sea at that depth? Seawater may be considered incompressible with a density of 63.9 pound mass per cubic feet. सवाल क्या है कि आपके पास एक सबमरीन थी थ्रेशर, वो अटलांटिक ओशन के अंदर डूब गई. अच्छा, उसके बाद जब वो डूबी तो उस वक्त जो है अंदाजा ये था कि वो तकरीबन 1000 फुट उस वक्त समंदर की गहराई के ऊपर ये डूबी है. अब आपने का काम ये है कि आपने प्रेशर मालूम करना है कि उस डेप्थ के ऊपर, यानी कि 1000 फीट डेप्थ के ऊपर आपके पास जो समंदर है उसका कितना प्रेशर होगा. अब क्योंकि जो सी वाटर है, आप अगर देखिए, कभी आपने कोई लोग अगर समंदर के देखा है तो जो समंदर का पानी है वो नमकीन होता है. जो समंदर का पानी है उसके अंदर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स सॉल्ट्स वगैरह मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो समंदर का पानी है वो भारी पानी है. उसकी जो डेंसिटी है हमारे आम उसकी जो डेंसिटी है थोड़ी सी वो चेंज होगी आपकी आम वाटर से, उसकी डेंसिटी चेंज होगी. इसलिए आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 63.9 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट उसकी डेंसिटी दी गई है. अच्छा, अब ये देखिए कि इस फॉर्मूले के अंदर आप देखिए तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक चीज दी हुई है z2 minus z1 आपको डेप्थ दे दी है. सॉरी, ये देखिए फॉर्मूले के अंदर z2 minus z1 एक डेप्थ दे दिया है 1000 फीट. इसको साथ मैंने माइनस लगा दिया. क्यों माइनस लगा दिया? क्योंकि आप ऊपर से इसको नीचे की तरफ इसको नाप रहे हैं, फ्री सरफेस से डेप्थ की तरफ नाप रहे हैं, तो मैंने इसको जीरो की चीज को कंपनसेट करते हुए इसके साथ माइनस 1000 फीट लगा दिया. डेंसिटी ऑफ सी वाटर गिवन थी 63.9 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, और जो जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर. P1 जो आपके पास प्रेशर होता है एट द सरफेस ऑफ द एटलांटिक, आपके पास जो P1 जो इनिशियल प्रेशर है एट द सरफेस, वो आपका ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो कि 41.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर या PSI एट द सरफेस ऑफ द एटलांटिक. और अब हमने इस फॉर्मूले इस इक्वेशन में हमने मालूम करना था P2 यानी कि प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 1000 फीट, उसको हमने मालूम करना था. हमें ऑलरेडी पता है जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 ड्राइव किया है, हमें पता है इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या बताती है कि P2 minus P1 is equal to minus rho into g multiplied by Z2 minus Z1. इसको देखें तो क्या पता लगता है कि आपके पास जो P2 है बेसिकली वो प्रेशर एट 1000 फीट डेप्थ, माइनस P1 क्या है आपका जो प्रेशर एट द सरफेस है माइनस 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, उसके बाद जो डेंसिटी है वो आपके पास आ गई जो है 63.9 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, जो जी है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और Z2 माइनस Z1 को माइनस 1000 फीट लिखा था. इसमें अब आप ये इस माइनस को इस माइनस के साथ आप काट सकते हैं. जो आप इसको काटेंगे तो आपकी ये दोनों माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आपका प्लस हो जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या होगा आपके पास प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 1000 फीट इज इक्वल टू, ये जो टर्म है मैं क्योंकि ये माइनस में है इसको मैं दूसरी तरफ ले गया हूं तो ये प्लस में आ गई है. अब आपके पास ये प्रेशर एट 1000 फीट इज इक्वल टू 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर प्लस, मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया इन सारी चीजों को, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन सारी चीजों को कि आपके पास यहां पर 63.9 मल्टीप्लाई बाय 32.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको जब मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आ गया है 205.7580. सारे यूनिट्स भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं, पाउंड मास मल्टीप्लाई बाय फीट, इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई बाय फीट हो रहा है, नीचे क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर, इनको सबको यूनिट्स को मैंने लिख लिया है. इस फीट को ये दो ऊपर फिट है नीचे तीन है तो इसको काट सकते हैं, तो आपके पास पाउंड मास ओवर फीट इनटू सेकंड स्क्वायर जाएगा. एक मिनट, इस चीज का सवाल आ रहा है, वो सवाल सुन लेते हैं फिर आगे उसको कंटिन्यू करते हैं.
अच्छा इसको आगे देखते हैं फर्दर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपके पास अब 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर प्लस अब आपके पास 205.7580 और ये आपके पास जो बाकी यूनिट बचे थे पाउंड मास ओवर फिट इनटू सेकंड स्क्वायर अब ये जो यूनिट्स बचे थे इनको कन्वर्ट करने के लिए आपने जी सब सी से डिवाइड कर लिया एनर्जी बैलेंस में हमने डिटेल से बात की थी किस तरीके से आप जी सब सी की मदद से आप डिवाइड कर सकते हैं चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास यूनिट्स को कंसिस्टेंट बनाने के लिए यूनिट्स की कन्वर्जन करने के लिए हमने ये जी सब सी यूज की है तो जी सब सी की वैल्यू होती है 32.174 या 32.2 फिट पाउंड मास ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर तो मैंने सिर्फ इस वाली टर्म को जी सब सी से डिवाइड कर दिया जब डिवाइड किया तो पाउंड मास कट गया सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर से कट गया अच्छा फिर आगे देखिए कि आपके पास बाकी ये नीचे फिट स्क्वायर 2 फिट की वैल्यू खड़ी थी हमने क्योंकि यहाँ पे इंच स्क्वायर है मैं चाहता हूँ कि ये फिट की वैल्यू इंच में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या करूंगा मुझे पता है कि 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच तो आपके पास 1 फिट स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 फिट स्क्वायर बराबर होगा 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर के बराबर होगा और आपने ये फिट स्क्वायर आपके ये इन 2 फिट से कट गया सभी चीजें कट गई हैं अब आपके पास जी सर ये जी सबस्क्रिप्ट सी है सर ये क्या चीज है और ये यूज कब करते हैं बेटा ये लेक्चर खत्म होने दे मैं फिर जी सबसी पे ना कुछ छोटी सी वीडियो बनाकर ना दोबारा आप लोगों को भेजूंगा तो जी सबसी एक कन्वर्जन यूनिट है यूनिवर्सल कन्वर्जन यूनिट है हम लोगों ने ये एनर्जी बैलेंस के अंदर मटेरियल आप लोगों ने सीपीपी 1 में भी पढ़ा होगा सीपीपी 2 में भी पढ़ा होगा तो बेसिकली जी सबसी इसको हम बकायदा डिजाइन किया गया था कि आपके पास आप क्या करते हैं आप जी ओवर जी सबसी जैसे 1 है आपने एक वैल्यू नोट की थी कि जी ओवर जी सबसी की वैल्यू 1 होती है तो जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी सबसी की जो वैल्यू है वो भी तकरीबन 32.1741 ली है इन चीजों को सेट करते हुए एक वैल्यू बनाई गई 32.2 इस वैल्यू से आपकी जो न्यूमेरिकल का रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ आपके जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं मसलन हमने आपके पास यूनिट से पाउंड मास ओवर फिट इनटू सेकंड स्क्वायर आपने इन यूनिट से पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर बनाना था इस वाली चीज से इसमें कन्वर्ट करना था ये आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते देखो ये पाउंड मास है इसको आपने पाउंड फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्जन लगाई है वो कन्वर्जन का नाम है जी सब सी तो जब आपके पास इस तरह की कोई कन्वर्जन करनी हो जी सब सी से आप डिवाइड कर दें उससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप आपकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको आप बिलो ये मैं डिटेल से हम एनर्जी बैलेंस के अंदर ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं 32.2 आपके पास फिट पाउंड मास ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू लगाई है और ये जब काटे हैं तो आपके पास यूनिट्स तो काटने के बाद आपके पास 14.7 पाउंड फोर्स डिवाइडेड बाय इंच स्क्वायर और ये जो आपके पास सारी जो वैल्यूज है इसको सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया है 443.75 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं सेम यूनिट होने की वजह से आप इन दोनों को इजीली एड अप कर सकते हैं तो आपके पास प्रेशर एट 1000 फीट डेप्थ हो जाएगा 458.45 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर और आपका जो जवाब है इसका मतलब क्या है हेंस द प्रेशर ऑफ द सी एट द डेप्थ ऑफ ये बेटा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है एट आएगा एट द डेप्थ ऑफ 1000 फीट इज 458.45 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर तो आपके पास जो कंडीशन दी हुई थी इन गिवन कंडीशन से आपने फाइंड आउट कर लिया है कि आपके पास जो प्रेशर का जो इस इक्वेशन की मदद से आपने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया है कि जब आपकी जो सबमरीन 1000 फीट पे डूबी है इस वाटर के अंदर सी वाटर में जिसकी डेंसिटी गिवन थी तो उस गहराई पर प्रेशर कितना होगा वो प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा इस प्रॉब्लम के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो इस प्रॉब्लम के हवाले से किसी बच्चे का कोई सवाल है इस प्रॉब्लम में किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा फर्दर एक प्रॉब्लम देखते हैं
a cylindrical oil storage tank is 75 feet deep and contains an oil of density 55 pound mass per cubic feet. Its top is open to the atmosphere. What is the gauge pressure depth relation in this tank? सवाल क्या है आपके पास? बेसिकली आपके पास एक सिलेंड्रिकल ऑयल स्टोरेज टैंक है. जैसे आप कभी कोई मुजफ्फरगढ़ वाला कोई बच्चा हो तो वो देखेगा कि आपके पास रिफाइनरी के बाद टैंक बने हैं, ऑयल के टैंक है, ऑयल स्टोरेज टैंक है जिसके अंदर ऑयल को स्टोर किया जाता है. वो जो टैंक है बेसिकली उसकी जो गहराई है वो 75 फीट डीप है. अच्छा, उस ऑयल जो उसके अंदर सेव किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, उसकी जो डेंसिटी है 55 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट है. और ये जो टैंक है ये ओपन है, सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक ओपन है टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो पड़ रहा है. व्हाट इज द गेज प्रेशर डेप्थ रिलेशन इन दिस टैंक? हमने ये मालूम करनी है इस टैंक के अंदर अगर आपके पास जिस तरह अगर आप डेप्थ आपकी चेंज हो रही होगी तो आपका किस तरीके से जो गेज प्रेशर है वो चेंज हो रहा होगा. हमने इस रिलेशनशिप को ग्राफिकल फॉर्म में कोई कर्व बनाकर, कोई ग्राफ बनाकर हमने इसको शो कर लिया. डेटा आपके पास क्या गिवन है? आपको बता दिया है डेप्थ ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक, उसको मैं कह रहा हूँ एच इज इक्वल टू 75 फीट. डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपके पास गिवन है 55 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट. जो गेज प्रेशर एट द टॉप फ्री सरफेस या ओपन टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये आपको बात लिखी है, इसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूले के अंदर आपको कहीं, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखी है कि आपका जो गेज प्रेशर किसी जो फ्री सरफेस के ऊपर या ऐसी चीज जो कि एटमॉस्फेयरिक प्रेशर के ऊपर है उसका जो गेज प्रेशर है वो जीरो होगा. हमने फाइंड आउट कर क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है डेप्थ के ऊपर, यानी कि आपके पास जो 75 फीट जो सिलेंड्रिकल आपके पास ऑयल स्टोरेज टैंक है इसका इस गिवन डेप्थ के ऊपर कितना प्रेशर होगा, उसको पी से लिख रहे हैं. और ये जो वैल्यू है आगे मैंने ब्रैकेट में आपको बता दिया, गेज प्रेशर की वैल्यू आएगी, भूलना नहीं है गेज प्रेशर की वैल्यू आएगी. आपको पता है गेज प्रेशर के लिए हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है कि पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसके अंदर मैंने क्या किया है प्रेशर एट द डेप्थ वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू आपने पुट कर दी 55 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, जी की वैल्यू आपने पुट कर दी 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच की वैल्यू आपने पुट कर दी 75 फीट. और जब आपने इसको वैल्यू को पुट किया फिर बिल्कुल उसी तरह आप जी सब्सी से इसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये पाउंड मास वगैरह ये जो यूनिट है इसको खत्म करने के लिए, ताकि आपके पास कोई प्रेशर के यूनिट आ जाए. तो आपने इन सारी चीजों को जब लगाया है तो आपके पास जो है ये पाउंड मास इस पाउंड मास से कट गया है. अच्छा, फिर आपके पास ये दो जो फिट है ये आपने इस पावर से काट दिए, अब आपके पास ये वाला फिट और एक ये फिट बच गया है, सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर से बच गया और पाउंड फोर्स जैसे कि वैसे खड़ा है. अब आपके पास ये दो फिट है, प्रेशर के लिए आप अगर निकालना चाहते हैं PSI में निकालना चाहते हैं तो आपके पास वो पता है कि 1 फिट होता है 12 इंच के बराबर और 1 फिट स्क्वायर होता है 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर के. तो आपने ये जो फिट स्क्वायर है ये इस वाले फिट और इस वाले फिट से कट गया. तो आपने इन सारी चीजों को जब आपने सॉल्व किया है तो सॉल्व करने के बाद आपका प्रेशर एट द गिवन डेप्थ, यानी कि 75 फीट पर जो आपका प्रेशर आया है वो प्रेशर होगा 28.65 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर या PSI. अब सवाल के अंदर उसने बताया था कि हमारे पास हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो आपका गेज प्रेशर है वो 75 फीट डेप्थ के ऊपर इस जो सिलेंड्रिकल ऑयल स्टोरेज टैंक के अंदर 28.65 है, लेकिन सवाल में हमसे गेज प्रेशर और डेप्थ की रिलेशनशिप पूछी गई थी कि गेज प्रेशर और डेप्थ में क्या रिलेशनशिप है. तो आप उस रिलेशनशिप को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ की शक्ल में कि आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर डेप्थ आएगी, यानी कि उस डेप्थ को आप रिप्रेजेंट करते हैं एच से फिट, और वाई ये जीरो ओरिजिन है, और वाई एक्सिस के ऊपर आप गेज प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि PSIG गेज प्रेशर शो कर रहा है. इस ग्राफ को किस तरीके से बनाएंगे? इस ग्राफ को बनाने के लिए देखिए आपके पास जो ग्राफ प्लॉट करते हैं कोई वैल्यू होती है,
एक वैल्यू तो आपके पास है डेप्थ और प्रेशर की, यानी कि 75 फीट आपके पास डेप्थ की वैल्यू है। मैं इसी फॉर्मूले के अंदर जो गिवन कंडीशंस दी हुई है, मैं क्या करूंगा 25 फीट और 50 फीट के ऊपर दो मजीद प्रेशर फाइंड आउट कर लूंगा, ताकि मैं अपना ग्राफ के अंदर कोई लाइन ड्रॉ कर सकूं। अच्छा जी, अब उसको क्या कर रहे हैं, टू ड्रॉ द गेज प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप, कैलकुलेट गेज प्रेशर एट 25 फीट और 50 फीट। अब मैंने पहले 25 फीट पर और 50 फीट पर मैं गेज प्रेशर की वैल्यू लगा रहा हूँ, ताकि आपके पास पीरियोडिकली 0, 25, 50, 75 आपके पास कोई ग्राफ बन सके। तो यही फॉर्मूला आपका प्रेशर एट 25 फीट डेप्थ क्या होगा, डेंसिटी आपको पता है, यानी कि रो जी एच हो जाएगा, डेंसिटी 55 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, जी है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच अब होगी 25 फीट, इसको जी सबसी से डिवाइड कर दिया, फिर आपने यहाँ पे फिट और एच स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया, जब आपने यूनिट्स वगैरह काटे हैं सब कुछ किया, तो प्रेशर एट 25 फीट डेप्थ इज इक्वल टू 9.55 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, हमारे पास ये प्रेशर आ गया। अच्छा अब ये देखिए जरा, मैंने इसको 25 फीट की बजाय पे ये डैश डाल दिया है, अगर आपके पास एक सिंगल डैश लगा हो इस तरह 25, इसका मतलब है फिट, अगर आप दो डैश लगा दें उसका मतलब होता है इंच, तो आप लोगों से घबरा नहीं जाना, 25 डैश का मतलब क्या है, 25 प्राइम का क्या मतलब है, इसका मतलब है 25 फीट डेप्थ हमने ये निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरह हम 50 फीट डेप्थ भी निकाल लेंगे, 50 फीट डेप्थ किस तरह निकलेगी, देखिए गेज प्रेशर एट 50 फीट डेप्थ, तो वो आपके पास प्रेशर एट 50 फीट डेप्थ हो जाएगा रो जी एच, और डेंसिटी आपके पास 55 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, जी है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच अब आपकी 50 फीट हो गई है, इन सारी चीजों को जी सबसे से डिवाइड किया है, उसके बाद आपने यूनिट्स वगैरह काटने के बाद कन्वर्जन करने के बाद जो रिजल्ट आपका प्रेशर एट 50 फीट डेप्थ जो प्रेशर आया है, वो प्रेशर आया है 19.10 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। हमारे पास अब देखिए वैल्यूज ये गिवन है, आपको 25 में भी पता है 25 फुट के ऊपर, 25 फुट डेप्थ के ऊपर कितना प्रेशर होगा, 50 फुट डेप्थ के ऊपर कितना प्रेशर होगा, 75 फुट डेप्थ के ऊपर कितना प्रेशर होगा, इन सारी वैल्यूज को हम अब प्लॉट कर लेते हैं। नाउ प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ डेप्थ वर्सेस गेज प्रेशर, अब इन वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं, तो प्लॉट कर रहे हैं तो देखें आपके पास ये वैल्यूज को जो प्लॉट किया है, तो प्लॉट करने से मैंने आपके पास इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस को वो जो ग्राफ शो किया था डेप्थ आप लिख दी, एक्स एक्सिस पे डेप्थ बना दी एच फीट में, प्रेशर जो आपका यहाँ पे गेज प्रेशर आपके पास वाई एक्सिस पे पी पी एस आई जी, मैंने प्लॉट जब उसको किया है तो आपके पास यहाँ पे मैंने इसको ग्राफ को जिस तरह आप अपना डिवाइड कर लेते हैं, मैंने 25 फुट 50 फुट 75 फीट 100 फीट निकाला नहीं है, लेकिन अभी बता दो 100 फुट का क्या चक्कर था, मैंने ग्राफ निकाल दिया। इसी तरह मैंने 10 20 30 40 मैंने वैल्यू निकाल दिया, 75 फीट के ऊपर जो आपका प्रेशर आया था 28.65 उससे मेरे पास ये पॉइंट आ गया, इसी तरह 50 फीट के ऊपर जो आपका पॉइंट आया 19.10 उसको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, 25 फीट के ऊपर जो आपकी 9.55 PSI आपका जो प्रेशर आया था उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। जब ये सारे आपने पॉइंट्स प्लॉट किए तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन एक आ गई है, इन पॉइंट्स को जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन आई है। अच्छा अब अगर आप इस लाइन को फर्दर एक्सट्रापोलेट करें तो आपके पास पॉइंट को खींचते जाएं तो आप देखिए 100 के ऊपर जो भी पॉइंट टच कर रहा होगा, 100 के ऊपर जो पॉइंट टच कर रहा होगा उसकी मदद से आप ये देखिए 100 के ऊपर इस पॉइंट से 100 के ऊपर अगर आप टच कर रहा है तो 100 के ऊपर टच करते हुए आप यहां से वाई एक्सिस से जो वैल्यू निकालेंगे वो जो वैल्यू होगी आपके पास वो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, तो उस प्रेशर की वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। आपके पास जो है वो प्रेशर की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, तो आप इस तरीके से अब ये देखिए इस ग्राफ को देखिए, ये एक लीनियर लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करिए, लीनियर लाइन है। और आपको पता है ये देखिए ऑलरेडी मैंने आज के लेक्चर में बताया है कि जब आपके पास प्रेशर रो जी एच जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि जो प्रेशर एट द डेप्थ है इन गेज
यानी कि प्रेशर एट द डेप्थ इन गेज प्रेशर, उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के साथ। इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों की लाइन क्लियर होगी, ये ऑलरेडी हमें इसको देख के पता है। इस चीज को अभी हमने न्यूमेरिकल की जो गिवन था उससे जब सॉल्व किया है, उससे भी हमें ये पता चला है कि हमारा जो रिजल्ट है वो लीनियर रिजल्ट आया है, और ये आप इस तरह ग्राफ आपने बना लिया। इस प्रॉब्लम को फर्दर आप अगर एक्सेल के ऊपर सॉल्व करेंगे तो आप अपने इसको बड़ी आसानी के साथ, ये ग्राफ वगैरह के कर्व्स को बड़ी आसानी के साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जी बेटा, किसी का कोई सवाल हो तो आप। जी तहसीन, आपका क्या सवाल है? तहसीन अहमद, तहसीन अहमद बेटा माइक ऑन कीजिए। जी मोहम्मद नवीद, आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये, जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने 75 जब निकाला है पहले, तो हमने 25 और 50 फिट ही दोबारा क्यों यूज किया, कोई और नंबर क्यों नहीं यूज किया? नहीं नहीं अच्छा, वो मैंने इसलिए यूज नहीं किया, आपकी मर्जी थी, आप 10 भी कर सकते थे, देखो मेरी बात सुनो, लेकिन मैंने ये सोचा कि 25 और 50 ग्रेजुअल है, 25 50 75 है, मैंने ये निकाल दिया। आप इस तरह भी कर सकते थे, अगर आपको 75 की वैल्यू थी आप 75 150 और 225 आप निकाल सकते थे, या आप इस तरह भी निकाल सकते थे कि आप 5 पे निकाल लेते, फिर 10 पे निकाल लेते, 15 पे निकाल लेते, 20 पे निकाल लेते, आपकी मर्जी है। लेकिन ग्राफ जब आप प्लॉट कर रहे होते हैं तो उसकी जो वैल्यूज अगर थोड़ी ग्रेजुअल हो तो आपका ग्राफ अच्छी तरह से होता है। मैंने उसके अंदर ग्राफ को समझाने के लिए 2550 से निकाली थी, लेकिन आप कोई से निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। जी नवीद, ये बात क्लियर है? यस सर, थैंक यू। जी तहसीन, अगर बेटा माइक आपने ऑन कर लीजिए। जी मोहम्मद बिलाल, माइक ऑन कीजिए। जी मोहम्मद बिलाल, बेटा आप अगर कोई सी वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि ये देखिए दोबारा देखें इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला ये बताता है कि आपके पास जो P is equal to rho g h है, ये लीनियर रिलेशनशिप है, तो आपके पास जो भी वैल्यू यूज करेंगे उसके दरमियान में लीनियर ही आएगी। सिर्फ ये होगा कि अगर आपके पास वो, अगर आप डिस्टेंस अगर आप थोड़ा कम रखेंगे, ये पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस ग्रेजुअल ना हो, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में मुश्किल होगी। एक्सेल पे आप इजीली ड्रॉ करके देख सकते हैं, कोई सी वैल्यू रखेंगे आपके पास ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर होगी, इसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। जी इमरान, ये बात क्लियर है आपको? जी बेटा, बिलाल और तहसीन सवाल पूछना चाह रहे हैं। बेटा बिलाल, अगर आप माइक्स ऑन नहीं कर सकते तो आप मुझे मैसेज कर दें अपना सवाल, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही तक ही था। इसकी जो लेक्चर की जो स्लाइड है, आपकी जो लेक्चर के नोट्स जो मैंने अभी यहाँ पे स्कैन पीडीएफ में जो है फाइल, ये मैंने ऑलरेडी आपके एलएमएस पर अवेलेबल है, आप एलएमएस से इसको इजीली अपने डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है ये अभी लेक्चर के बाद मैं शेयर कर दूंगा, उसकी वजह ये थी कि बेटा आप लोग वीडियो देखते नहीं है, वो आप लोग जो है ताकि आप फिर लेक्चर में ऐसे आ जाते हैं अक्सर बच्चे, उसका फायदा कोई नहीं है, लेकिन वो ये है कि आपको फिर भी हम तो कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आपको जो है लेक्चर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अटेंडेंस के बेटा अभी कोई मैसेज ना करें, अटेंडेंस का जो है अटेंडेंस का जो मैसेज है बेटा अभी कोई मत करे, अटेंडेंस का जो मैसेज है वो अभी बेटा एक सेकंड बेटा,
आई एम सो सॉरी, मैं एक मिनट जो है ना मुझे जाना आपसे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। नहीं नहीं यार वॉच डैम का नहीं, मतलब मुझे असल में बेटा वॉच डैम का कोई इशू नहीं है, मेरी बात सुने, वॉच डैम का कोई बिल्कुल। आप देखें वजह यह है कि आप लोग क्लास में तो ज्यादा सवाल पूछते थे, अब आप लोग क्लास में अब आप लोगों ने सवाल पूछने बंद कर दिए, तो इसलिए मुझे जो है ना वो है बेटा। दूसरी बात यह है कि मुझे वॉच आप करें ना करें, मुझे उससे 1 रुपये का फायदा नहीं होने लगा, तो इसलिए आप लोग है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल अकाउंट है जो मैंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है, मुझे उसको कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं इट्स वेल एंड गुड, तो सिर्फ ये है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके पास सेफ हो, ये चीज है इम्पोर्टेंट, बाकी और कुछ नहीं है। तो हाफिज साथ कह रहे हैं उनको वॉइस मेरी नहीं आ रही थी, बेटा किसी और को भी वॉइस का मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, बेटा किसी और बच्चे को भी वॉइस का कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट नो कि मुझे उम्मीद है कि आपको वॉइस सही आ रही होगी, क्योंकि मुझे लेक्चर के दौरान किसी ने ये बात नहीं की, शिकायत नहीं की कि उनको वॉइस दिक्कत थी। जी अच्छा बेटा, ये आपके पास ये लेक्चर मैंने आपके LMS पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। असाइनमेंट के हवाले से बेटा, असाइनमेंट ऑलरेडी आप लोगों को इशू की हुई है, उसकी जो डेडलाइन है वो आपकी जो डेडलाइन थी वो इतवार वाले दिन शाम 6 बजे तक है, तो आपको पहले भी जो है मैं कभी भी ऐसी असाइनमेंट नहीं देता कि भाई आप आज और कल वसूल कर ली, नहीं। तो उम्मीद है कि आप अपनी असाइनमेंट को कर चुके होंगे, असाइनमेंट जब आप करें तो बेटा LMS पे अपलोड करें जो उसका प्रॉपर तरीका है। इन केस बड़ा स्ट्रिक्टली इन केस अगर आपकी LMS पे अपलोड नहीं होती तो फिर आप जो है उसको मुझे ईमेल कीजिए, लेकिन उसके साथ सबूत के साथ कि हाँ भाई LMS पे अपलोड नहीं हुई, तो ये वजह है। एग्जाम की पॉलिसी कल उस्मान साहब ने आप लोगों से शेयर कर दी थी, तो बेटा हमारे कोर्स में हम उसी पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उसमें होगा क्या, जैसे आप लोगों की जो असाइनमेंट आपको याद होगा, एक असाइनमेंट थी हमने ली थी, वो असाइनमेंट जो थी हमने जब ली थी असाइनमेंट आप लोगों की, उस असाइनमेंट को वो 30 मार्क्स आपके मिड टर्म वाले मार्क्स होंगे, और आपकी जो इन केस अगर आपकी ऑनलाइन लाइव यहाँ पर अगर आप लोगों की क्लास नहीं होती, लाइव क्लास ना होने की सूरत में क्या होगा कि आपके जो 50 मार्क्स हैं जो फाइनल एग्जाम में होते थे, तो 50 मार्क्स बेसिकली आपके जो इस दौरान आप मैं जो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, छोटा सा क्विज दे दूंगा, या कोई और आपको जो है कोई थॉट प्रॉब्लम या कोई आपको इस तरह की कोई चीज असाइनमेंट देता हूँ, उनके ऊपर मैं आपके 50 मार्क्स होंगे। अगर आपकी क्लासेस नहीं हो रही होंगी, यानी कि आपकी लाइव अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं आते, तो एट द एंड ऑफ योर कोर्सेस हम जो है एक 20 मिनट का मैं आप लोगों से इसी तरह पर्सनली हर बच्चे को मैं गूगल मीट के ऊपर मैं उसको इनवाइट करके उसको लिंक शेयर करके कि वो बच्चा बारी बारी आएगा और उसका मैं ओरल एग्जाम ले लूंगा और वो आपके इस तरह आपका 100 मार्क्स बन जाएगा। इन केस अगर आप अल्लाह करे अगर आप आ जाए, तो आ जाने की सूरत में क्या होगा कि आपके पास जो 50 नंबर है वो फाइनल पेपर में होंगे और जो 20 नंबर है जो इस दौरान हम जो एक्टिविटी कर रहे होंगे उसके वो 20 नंबर होंगे। अच्छा बेटा देखिए, इसलिए ये चीज देखना कि अटेंडेंस मैं आपकी साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बेटा आप लोग बात याद रखिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है और अटेंडेंस की वेटेज होगी। अगर अटेंडेंस आप नहीं कर रहे तो आपको अटेंडेंस की वो मार्क्स जो आपके 50% में लग रहे थे वो अटेंडेंस के मार्क्स आपके उसमें नहीं लगेंगे, तो इस चीज से आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। बिलाल का सवाल है बेटा, बिलाल जी आपने जी जी सर, लास्ट टाइम जो मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी वो LMS से अपलोड नहीं की थी, मगर आपको ईमेल कर दी थी और साथ में वो प्रूफ भी दे दिया था कि LMS सर ने एक्टिव है मेरा, तो वो एक्सेप्ट होगी थी मेरी से। बेटा चलो बेटा, अब मुझे अब याद नहीं है अगर आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई थी जी सर, तो जो है वो उसकी जो है अपना तो वो ठीक है, अगर हो गई थी तो अगर आपके पास आप ईमेल किया तो ईमेल मैं डिलीट नहीं करता, तो ईमेल में वो सही होगी, असेसमेंट होगी होगी, लेकिन सिर्फ मैं ये आपको बताने का मकसद ये था ताकि आपकी अटेंडेंस या आपकी जो है प्रॉब्लम ना हो, आपको आपकी LMS की जो चीज है वो सेफ रहती है। तो ईमेल का मकसद कहने का ये कि अगर आपके पास मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई इन केस आप लोगों को कोई मसला ना हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश यही की LMS पे, लेकिन अगर मुझे आपने ईमेल किया तो ईमेल तो रिसीव हो गई होगी अगर आपने की है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा वैसे बेटा तकरीबन मैं ना ये आपकी बात ठीक है, जो आपकी अटेंडेंस है ना LMS पे बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी LMS पे आप लोगों की अटेंडेंस लगाई नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह जो है वीकेंड पे ये काम कर लूंगा ताकि आपको प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीक में आपकी ये अपडेटेड अटेंडेंस आपकी अवेलेबल होगी। बेटा किसी और का कोई सवाल?
जी साद, आपका क्या सवाल है? बेटा मुबशिर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मुबशिर जो है अक्सर जो है मुझसे सवाल भी करता है, उसको प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब है वो चीजों को कर रहा है, ये लेक्चर जो है तो मैं वो बड़े अच्छी बात है। ठीक है जी साद, क्या कह रहे हैं? जी साद, मैं की प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर सही तरह मतलब मेरे तक पहुंच नहीं सका, क्या ये आप अपलोड करेंगे OCW पे? नहीं नहीं ये ऑलरेडी आपका जो ये लेक्चर है आपका LMS के ऊपर इसकी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है, जो आज मैंने लेक्चर दिया है लेक्चर नंबर 10, उसके नोट्स आपके LMS पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेक्चर भी जो है ना मैं अभी अपलोड कर दूंगा। जी ये साथ ये क्लियर है आपको? साथ अच्छा बेटा हमायों, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। जी सर, जी वही सर, वो जो आपने असाइनमेंट दी हुई है उसमें वो कल सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन थे, वहाँ पे अगर विस्कोसिटी सिर्फ नॉर्मल विस्कोसिटी लिखा हो उसके साथ मेंशन ना किया हो काइनेमेटिक या डायनेमिक है तो हम उसको एज अ डायनेमिक लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल डायनेमिक लेंगे, जब लव्स काइनेमेटिक आ जाएगा फिर आप पक्के हो जाएंगे आपने काइनेमेटिक लगानी है, वरना वो डायनेमिक है। और यही केस वेलोसिटी का भी यही केस होगा, वेलोसिटी सिंपल लिखा होता है, लीनियर या एवरेज वेलोसिटी नहीं लिखा होता? हाँ बिल्कुल, आप उसको हमारे पेज में वही वही आप उसको वेलोसिटी है लीनियर लिखी हुई है एवरेज लिखी हुई है, तो बेसिकली सिर्फ पता ही होना चाहिए कि जो डीवी रो ओवर म्यू जो हमारा फॉर्मूला है रेनॉल्ड्स नंबर का, बेसिकली उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन अगर आपको लीनियर वेलोसिटी लिखी हुई है, खाली वेलोसिटी लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बेटा किसी और का कोई सवाल हो, असाइनमेंट के हवाले से कोई सवाल हो, या ये एग्जाम की क्विज पॉलिसी के जो एग्जाम की पॉलिसी है इस हवाले से कोई सवाल हो तो बेटा मैं इसलिए ये था कि अगर आप किसी को बच्चे को मुखालता था, बेटा मैंने आपको पहले एक बात कही है, मैं आपसे अनफेयर कभी नहीं रहा, अब भी मैं अनफेयर नहीं हूँ, मैं जो आपको करा रहा हूँ मैं बिल्कुल उसी वे से ही सारा कुछ होगा, आपको जो प्रॉब्लम भी दिए जा रहे हैं आपको जो चीज कराई जाएगी यही कुछ आपका सिलेबस है, यही हम सब करेंगे, सिर्फ ये है कि आपको जो टास्क दिया जाए आपको कंप्लीट कीजिए, मैं बेटा स्ट्रिक्टली उसी टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, आज थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन में जो है मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, आप लोगों के ये जो है आज लेक्चर का हमारा टाइम टेबल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे हफ्ते में 2 दिन जो ऑफिशियल टाइम टेबल है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तमाम अपनी क्लासेज में ऑफिशियल टाइम टेबल को फॉलो कर रहा हूँ, मंगल वाले दिन 1:30 से 3, जुमेरात वाले दिन 12 से 1:30, बेटा ये हमारा टाइम है, तो आपको अगर कोई टीचर रिक्वेस्ट करता है कि हाँ भाई अनाउंस करते हैं आप उनको बता दें सर ये हमारी स्लॉट ऑलरेडी फिक्स है, काइंडली आप हमें आगे पीछे कोई और स्लॉट दें। बेटा किसी का और का कोई सवाल हो? बेटा किसी और का कोई सवाल हो, अगर आपके मजीद कोई सवालात नहीं है जी इस्माइल भट्टू साहब। जी बेटा इस्माइल भट्टू, आपका क्या सवाल है? जी इस्माइल भट्टू, बेटा आपका कोई सवाल है इस्माइल भट्टू? अच्छा ठीक है बेटा, अटेंडेंस किया मुझे अब आप मैसेज कर दें अगर आपके मजीद सवाल नहीं है, विद योर होल नंबर विद योर होल रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने नाम के साथ मुझे अटेंडेंस का मैसेज कर दें ताकि आपका ये अटेंडेंस में रिकॉर्ड कर लूं। अच्छा बेटा मुझे ना एक दो बच्चों ने मजीद सवाल किया था तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आप लोगों को रिवाइज थोड़ी सी मैंने जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 9 उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो मिस्टेक मेरी मिस्टेक थी, मैंने 1 CP को लिखा था 1 g/cm/s जो कि रॉन्ग है, मैंने उसकी आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी क्लैरिफिकेशन दी थी, ये मुझे वो भूल आंसर ने पॉइंट आउट किया था कि मैंने उसके अंदर मिस्टेक की हुई है, तो 1 CP बेसिकली होती है आपके पास सॉरी 1 πs = 100 CP
और 1 CP होती है 0.01 g/cm/s. तो ये मैंने मिस्टेक आपकी PDF में सही कर दी थी, लेकिन लेक्चर रिकॉर्डेड था उस पर सही नहीं कर सकता था, तो मैंने आपके YouTube पे मैंने नीचे कमेंट कर दिया था कि कमेंट करके कि भाई आप उसको सही कर लें, तो बाकी जो है ताकि आप उसको ये आप बेटा नोट कर लें। इस दौरान बेटा कम से कम ये है कि आप आपकी जरूरी नहीं है YouTube पर आप ये वीडियो देखें, आप अगर ये YouTube कन्वर्टर आप देखिए कि PDF YouTube कन्वर्टर अवेलेबल होते हैं, आप जस्ट लिंक को कॉपी करें तो YouTube कन्वर्ट करके आपको फाइल दे देते हैं और आप उसको MP4 के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लिया करें तो भी बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ बेटा गोल आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये हमने डंग टपाओ काम नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग हो ताकि आप लोग जो है घर में भी बैठे हैं तो उसका मकसद ये ना हो कि घर में बैठे हैं तो पढ़ाई नहीं हो रही। आप लोगों ने फीसें भरी हुई है बेटा, बहुत ज़्यादा फीसें भरी हुई हैं, इन पैसों को आप हलाल करें। जी नवीद आप क्या कह रहे हैं, ये क्लिप ग्रैब अवेलेबल? सर ये YouTube से वीडियोस डाउनलोड करने के लिए है, ताकि कोई भी लेक्चर बंदा डाउनलोड करना चाहता है दर्श कर सकता है, ये एक सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी। हाँ ठीक है बेटा, सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है, मेरी बात सुनो, आप लोगों को सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट YouTube गूगल पे लिंक लिखे यूट्यूब कन्वर्टर, उसके अंदर आप वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट के अंदर आप वो यूट्यूब का लिंक डालें, लिंक डाल के बाद आप उसको लिख दे दीजिए MP4 में कन्वर्ट करें, वो कन्वर्ट कर देता है विद इन मिनट कन्वर्ट कर देगा और उसको डाउनलोड कर लें, ये भी तरीका है तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपके पास सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कोई और चीज़ करें तो बैलेंस गुड है। ठीक है बेटा, अगर आपके मजीद सवाल नहीं है तो आप ये सेशन जो है लीव कर सकते हैं, इंशाल्लाह जो है आप नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।